अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मैं आपका यार सर, तुम्हारे स्वागत है मेरा, मैं मास्क लगा ना, तो स्वागत है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, हम आज जा रहे हैं याद पीडीपी गार्डन। सो गाइस, पीडीपी गार्डन, उस गार्डन की खासियत ये है, क्या है वीडियो में बताएगी, तो आपको वहाँ पर चल के बताएगी उस गार्डन की खासियत क्या है, वो गार्डन की खासियत की वजह से वो गार्डन इस मुंबई में फेमस है। अच्छा, तो आपको वहाँ पे चल के बताते हैं और देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगी, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करके ये शर्माता है गाइस, हो जाएगा इस तरह। ये है प्रिया दर्शनी पार्क, यहाँ से इसकी एंट्री आप देख सकते हैं, यहाँ से इसकी एंट्री है, तो चले अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। गाइस, इसकी खासियत आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्यों ये गार्डन इतना फेमस है मुंबई में। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, इट्स रियली ऑसम गाइस। पीडीपी गार्डन गाइस बना ही स्पोर्ट्स के लिए है, मीन्स यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, फुटबॉल इवेंट्स, बहुत सी चीज़ यहाँ पे होती है, बट यहाँ पे खास बात है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, जो मेन चीज़ है यहाँ की, जो मेन फोकस है। क्या बोलता है नहीं भाई? हाँ भाई, मज़ा आ रही क्या? नहीं बहुत गाइस, सुकून पीस बोलते हैं ना, यहाँ पे आपको मिलेगा आके, बहुत सुकून मिल रहा है। तो गाइस, जो खासियत है यहाँ की वो आपको मैं बताने ही वाला हूँ। खासियत है कि खासियत क्या है आपको जानना है, देखना है, आपके सामने ही है। तो गाइस, आप जो खासियत देखेंगे यहाँ की तो आप बोलेंगे वाओ यार, ऐसा गार्डन होना चाहिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारे सामने ही है वो, ऑसम। तो गाइस, अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो चीज़ जिस वजह से ये पीडीपी गार्डन फेमस है, तो दिखा दे। नहीं आज दिखा दे। सब यहाँ पे आते हैं और एक अलग सुकून, अलग मज़ा यहाँ पे मिलता है। अगर आप डिप्रेस हो, टेंस में हो, सुकून चाहिए, यहाँ पे आ जाओ। सीधा सीनरी गाइस, ऑसम। अगर मुंबई में हो या मुंबई में अगर आप आए हो तो ये गार्डन ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा स्पॉट है आपके लिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको आज। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जा। फैमिली पार्क तो है ही, फैमिली पार्क के साथ साथ बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर आपको इधर एंट्री नहीं देते यहाँ से कूद के चले जाओ।
आजा नहीं आजा, देख सकते हैं आप, ये है पार्क, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे खेलने के लिए स्लाइड्स है, मतलब काफ़ी अच्छा गार्डन है गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं। अपने बच्चों को लेके आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए, क्या बोलता है नईम? हाँ यार, तू यार आप खुद भी बच्चा बन सकते हो। अरे आप खुद भी बच्चे बन सकते हो गाइस, हम एक चैलेंज करने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेके टायर्स वहाँ तक गए, तो देखते हैं ये टायर्स क्रॉस कर पाऊंगा। आइए देख, कोई सेंसेस बात करते तो देख सकते हैं आप क्या सस्ते नशे करने का नतीजा क्या क्या हो सकता है। सिर्फ दो टायर, ये लास्ट दो टायर, ये लास्ट के सिर्फ दो टायर में। अच्छा, तो मैं पढ़ाती हूँ, भाई ने कर दिया, शुक्रिया, कमेंट में डाउन कर देना मैंने कैसा करा, चलिए और कुछ ट्राई करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। तो गाइस दूसरा चैलेंज है हमारा ये, यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है और वहाँ से लेके आना। नहीं गाइस, हमें ये काम बहुत चुपके से करना होगा, क्योंकि अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया तो हमारे बम तोड़ डालेगा, क्योंकि ये बच्चों लोग का गार्डन है और यहाँ हम टास्क कर रहे हैं। तो चलिए चुप चुप के करते हैं, बिना किसी को जानिए जाने भी ना। आइए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आइए, नहीं फटफट यार, कौन ही है? तो गाइस हमने दो टास्क सक्सेसफुली कर लिया है, हम आप तीसरे टास्क होने की तैयारी में, और वो शायद लास्ट रहेगा, तो चलिए ढूंढते हैं। गाइस थर्ड टास्क और लास्ट टास्क ये है, यहाँ से मुझे चढ़ना है, यहाँ से तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आइए, इससे पहले कोई देख लिए मुझे फटफट करना होगा, आइए देखिए बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसा गिर रहा है, गाइस हो चुका है अभी टास्क। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? टास्क अब चुपचाप से कल्टी मारते, इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड हमें यहाँ से निकाल दे। चलो गाइस अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, मिलते हैं बाद में। सो गाइस हम ऐसी कभी जगह पे आते हैं जहाँ पे हमें इतना सुकून मिलता है, तो हमारा ब्रेन इतना रिफ्रेश हो जाता है, हमें इतना सुकून मिलता है कि दुनिया के थॉट्स बाहर निकल जाते हैं, और इतना सुकून मिलता है कि मतलब टेंशन काम सब हम भूल जाते हैं, है ना नहीं? क्या करेंगे, लाइफ अभी ऐसी ही हो गई है, नॉर्मल पर्सन मतलब अपनी काम कर जिंदगी में जीना ही भूल गए, इतना बिजी हो जाता है अपने लाइफ में कि वो भूल जाता है कि हमें हमारी खुद की लाइफ है, हमें खुश रहना है, हमें खा पी के खुश रहना है, क्योंकि लाइफ कुछ चंद दिनों की है, राइट, कुछ चंद दिनों की है, आज हम सोए क्या पता कल उठे ही ना उठे। बट क्या पता लाइफ इतनी स्ट्रगल हो गई है कि इंसान खो जाता है इस दुनिया में और अपने आप को खुद को ही भूल जाता है, खुद को ही टाइम और खुद को ही टाइम नहीं दे पाता है, और फिर या वाह घूम फिर के में इतना वो परेशान हो जाता है कि कई कई केस में सुसाइड भी निकल लेती है। तो गाइस लाइफ है कुछ, हम टेम्पररी है, एक ना एक दिन हम सबको जाना ही है, तो क्यों ना सुकून से बिताए, अच्छे से जिए, अच्छे से खाए पिए, हेट्रेड ना फैलाए, ताकि दुनिया एक पीस रह सके। बट कुछ नहीं हो सकता है, दुनिया ऐसी हो चुकी है कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल,
हम कितना भी किसी को कुछ समझाए, इंसान को जैसा चलना है वो खुद वैसा ही चलेगा। हम किसी को कुछ बदल सकते ही नहीं है। अब दुनिया ऐसे आगे बढ़ चुकी है। तो गाइस होप करता हूँ कि अगर आप भी ठीक हो, जहाँ भी हो, सुकून से हो, डिप्रेस में हो, तो आप ऐसी जगह आ जाइए। आपको सुकून मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, आपके माइंड को पीस मिलेगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो ये नहीं सोचिए कि भाई ये मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं आगे क्या करूँगा। हाँ, लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, है ना, बहुत लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। इसने भी स्ट्रगल्स देखे, मैंने भी स्ट्रगल्स देखे। देखिए लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बस उसको फेस करके आगे बढ़ते रहने का, वो स्ट्रगल्स कामयाबी में बदल ही जाते हैं और हेल्प करते हैं। तो होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके जरूर करना। गरीब ने बहुत मेहनत की, आज कौन से सस्ते नशे करके आया कुछ पता नहीं। गाइस मैंने आज बच्चों के गाने में बहुत सारे एड़े चाले करा, पब्लिक और फैमिली मुझे ऐसा घूर रही थी ना, बहुत ऑकवर्ड फीलिंग थी, बट आपके लिए मैंने करा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।